निकले सर जेके टायर देखिए। सर पोजीशंस अगर होती है तो यहाँ पे 190 से लेके 188 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैसे रिएक्ट होता है, और उसके बाद अगर ये 192 को क्रॉस करेगा तो ही इसमें अपसाइड मोमेंटम आएगा, वरना ये फिर से जो ये बढ़त आई है वो एक सेल ऑफ में ही कन्वर्ट होगी। तो अगर 188 के आसपास मेरी एंट्री है लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या राय बनती है ओवरऑल? सर स्टॉप लॉस लगा ले, 182 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा ले, एक बार एग्जिट कर लेना, फिर हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं शेयर्स लेने के खिलाफ हूँ या फिर मैं मंदी खेल रहा हूँ। जिस पीएनबी बैंक को 40 रुपए के आसपास मैंने 60 रुपए के टारगेट के लिए दिया था, जिस बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने 45 के आसपास कहा था, 87 के आसपास कहा था, 110 के आसपास भी कहा था, तो वो उनका शेयर का देख लेना। क्योंकि ट्रेड लेने का भी एक समय होता है, एक कंफर्ट लेवल होता है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हर समय पे आप बाइंग करके जा सकते हो या फिर हर समय पे आप सेलिंग 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 करके ही जा सकते हो। तो चार्ट देख के अभी मुझे लग रहा है कि जेके टायर में आप एक काम करना, एक 182 का स्टॉप लॉस लगाना, हिट होता है तो एक बार एग्जिट कर लेना, फिर से अगर 192 का ब्रेकआउट देता है तो फिर से री एंट्री कर। तो ये है राय जो कि टायर पे भी और ओवरऑल किस तरीके से बाजार में काम करना चाहिए वो भी हम सीखते चलते हैं।